सो गाइस आज का अपना जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस आज की वीडियो में आप लोगों को इंडस बैटल रॉयल के कुछ ऐसे लीक्स एंड अपडेट्स देने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे होंगे। और गाइस उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इंडस बैटल रॉयल के एक ऐसे टूर्नामेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिसका फॉर्मेट जो आईपीएल की तरह होने वाला है, जिसके ऑक्शंस भी होने वाले हैं। तो मेक श्योर गाइस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दें। तो चलो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं आपका क्वेश्चन दोस्त अमन और आप देख रहे हैं मन गेमिंग एफ। आई होप गाइस आप लोग काफी ज्यादा ठीक होंगे और इसी तरीके से ठीक रहना। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहला जो अपना अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अपने एकदम ब्रांड न्यू इमोट्स। तो गाइस मैं अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जितने भी अपने सारे इमोट्स निकल के आए हैं। Like I woke up from a nightmare, because I finally got away from you, and I ain't never going back there. If it's the last thing I'll ever do, but now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. You just a memory that I can't break, but I can't shake the ghost that you left behind here. सो भाई लोग जितने भी इमोट्स हैं पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आए। तो गाइस बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस ये होने वाले अपने डाइव ट्रेल्स। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कितने ज्यादा तगड़े ये अपने को लग रहे हैं। स्पेशली जो अपना कॉस्मिक रेन वाला जो इफेक्ट था भाई वो कितना ही ज्यादा तगड़ा लग रहा। तो गाइस वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा वाला जो अपना डाइव ट्रेल है वो पसंद आया है। तो गाइस बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस ये होने वाले अपने एकदम ब्रांड न्यू व्हीकल्स की स्किन। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी तूफान की स्किन आई है भाई लोग, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इसमें से जो अपनी स्पोर्ट्स फ्रीक वाली जो तूफान की स्किन गाइस वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना आपको कौन सी वाली पसंद आई है। तो भाई लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस भाई लोग इंडस के अंदर कुछ अपनी एकदम ब्रांड न्यू गन स्किन्स भी अपनी इंट्रोड्यूस हुई है। अभी वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। कुछ टेम्पेस्ट की, देवास्त्री और बहुत सारी अलग अलग स्किन्स जो है वो अभी एड हुई है और फ्यूचर में भी एड होने वाली है। और गाइस यहाँ तो बात हो गई ये सारी चीजों की, अब भाई बात कर लेते हैं अपने बैटल पास की। सो गाइस अपने इंडस बैटल रॉयल के अंदर जो अपना इंडस पास या फिर बोल सकते हो आप जो बैटल पास है वो भी इंट्रोड्यूस होने वाला है अपने नेक्स्ट बिल्ड से। उसके अंदर आपको बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि एविटार, वेपन स्किन, व्हीकल स्किन, कॉलिंग कार्ड फ्रेम, कॉलिंग कार्ड का पोज, कॉलिंग कार्ड बैकग्राउंड, पोर्ट्रेट आइकन, पोर्ट्रेट फ्रेम और डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज भी आप लोगों को अपने रॉयल पास के अंदर या फिर बैटल पास के अंदर मिलने वाली है। तो गाइस इसी के साथ जैसे कि आप सब लोग जानते हो अपना अभी इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, इसमें तो काफी ज्यादा खुश हूँ इसको लेकर। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने इंडस बैटल रॉयल ने डेडिकेटेड T20 वर्ल्ड कप कुछ आइटम्स ऐड किए हैं, वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। कुछ उसमें से अपने फ्रेम, आइकन, बैकग्राउंड, उसके बाद चार्म और अपना एक इमोट भी ऐड किया है। तो भाई लोग जैसे कि अभी बात चल रही है अपनी T20 वर्ल्ड कप की, तो गाइस क्रिकेट के रिगार्डिंग ही एक और अपडेट है गाइस मेरे पास आप लोगों के लिए। गाइस जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इंडस बैटल रॉयल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें अपने आईपीएल का फॉर्मेट रहेगा और उसमें ऑक्शन भी होगा। तो गाइस इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, बट उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सारे बंदे लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सारे बंदे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट जरूर रख लेना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो। तो गाइस ये टूर्नामेंट होने वाला अपना इनसाइडर शो डाउन। गाइस इसके अंदर अपने जितने भी इनसाइडर्स हैं उनमें से कुछ इनसाइडर्स पार्टिसिपेट करेंगे एज अ फ्रेंचाइजी ओनर। वहां पे वो प्लेयर्स परचेस करेंगे ऑक्शन के टाइम पर, और जो ऑक्शन होने वाला वो होने वाला अपना 5 जुलाई को। जो अपने मैचेस होने वाले हैं वो होने वाले हैं अपने 16 से लेके 19 जुलाई तक। 3 दिन गाइस मैचेस चलेंगे, हर दिन अपने 5 मैचेस रहेंगे और उसके बिहाफ पर अपना जो विनर है वो सेलेक्ट होगा। अभी गाइस जो प्राइजेस वगैरह है वो कुछ भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, बट हां अगर आपको इससे ज्यादा कुछ भी जानना है इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग या किसी भी और अपडेट के रिगार्डिंग तो गाइस आप लोग मेरे को इंस्टा फॉलो कर सकते हो, इंडस का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस इंडस बैटल रॉयल के अंदर कुछ ब्रांड न्यू कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि गाइस अपने एपिक कैरेक्टर्स रहने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों को इनकी बैक स्टोरी भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है अपने इंडस बैटल रॉयल के चैनल पर। तो गाइस मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये सारे के सारे अपने कैरेक्टर्स। तो गाइस इसमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा तगड़ा लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एट लास्ट गाइस मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने कल एक इंटरनल बिल्ड खेला था अपने इंडस बैटल रॉयल का जिसके अंदर अपना जो गेम है वो कांस्टेंट 60 FPS दे रहा है मेरे को, वो भी एकदम हाई ग्राफिक्स पे। बट मेरे को पहले काफी ज्यादा मतलब फ्रेम ड्रॉप्स का इशू होता था, बट अब गेम जो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है। मैं बोलना चाहूंगा जो अपना गेम है वो 98% समथिंग ऑप्टिमाइज हो चुका है और अपने अपकमिंग एक दो बिल्ड के अंदर पूरा 100% ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एकदम कांस्टेंट 60 FPS की गेमिंग आप लोगों को देखने मिलने वाली है और जितने भी अपने लो एंड डिवाइसेज है अपने 15K से लेकर 20K तक के बजट उनमें भी जो अपना गेम है वो काफी
काफी ज्यादा एकदम स्मूथ और अच्छे FPS पे चलने वाला है। तो आज का तो अपना वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई डाउट या क्वेरी हो तो मेरे को इंस्टा पर पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपना फीडबैक जरूर देना भाई लोग। तो चलो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इंडस बैटल रॉयल के बैटल पास के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more.